हे एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं फिरोज खान वेलकम करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल इजी फार्म। फ्रेंड्स, आज यहां पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रीज ड्रायर। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो हमने यहां पर वीडियो कवर की थी जिसमें कि हमने ड्राइंग फ्रेंड्स यहाँ पर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने इसकी डेफिनेशन साथ ही में इसके ऑब्जेक्टिव्स और फ्रेंड्स फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, तो ये फ्रेंड्स जो थ्री यहाँ पे पॉइंट थे ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे कवर की थी। तो फ्रेंड्स, वो इंपॉर्टेंट वीडियो तो आपने भी तो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके या उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से उसको इजिली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक फ्रीज ड्रायर। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में क्या है कि जो आपका फ्रीज ड्रायर है समटाइम्स लियोफिलाइजेशन के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो समटाइम्स फ्रेंड्स पूछा जा सकता है प्रिंसिपल्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लियोफिलाइजेशन एंड फ्रीज ड्रायर, तो दोनों ही नाम से ही आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो आप कंफ्यूज ना हो फ्रेंड्स, किसी भी नाम से है आपको यही लिखना है इन दोनों में से। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका प्रिंसिपल, देन सेकंड इसका हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन, थर्ड इसकी वर्किंग एंड यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स, सभी टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इजिली इसको रीड कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीज ड्रायर। द फ्रीज ड्रायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्लिमेशन। फ्रेंड्स, जो फ्रीज ड्रायर होता है ये सब्लिमेशन के प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है। अब फ्रेंड्स, सब्लिमेशन जो होता है ये क्या होता है, फ्रेंड्स के स्ट्रक्चर्स के बेस से चलिए समझते हैं इसका प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, जो आपका फ्रीज ड्रायर होता है नाम से आपको समझ आ रहा है यहाँ पे फ्रीज ड्रायर यानी फ्रीज जमना एंड ड्राई सुखाना। तो फ्रेंड्स, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो लिक्विड होता है उसको पहले जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है एंड सॉलिड से डायरेक्टली उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी समटाइम्स आपने देखा होगा, यानी फ्रेंड्स जो मोस्टली प्रोसेस होती हैं उन्हें मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, तो जो लिक्विड आपका है वो चलिए सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। फ्रेंड्स, सॉलिड में कन्वर्ट डायरेक्ट ऐसी तो आपका लिक्विड्स नहीं होता है, देन आप क्या करते हैं जो लिक्विड होता है उसका टेम्परेचर इतना मिनिमम कर देते हैं लाइक जैसे कि 0.5%, यानी 0.5 डिग्री अगर आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी बर्फ में चेंज हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपने लिक्विड को टेम्परेचर इतना डिक्रीज़ किया जिससे कि आपका सॉलिड में वो कन्वर्ट हो गया, देन फ्रेंड्स इसको आप सॉलिड से आप काय में कन्वर्ट करना है, आपको डायरेक्ट इसको वेपर में कन्वर्ट करना है। तो वेपर में फ्रेंड्स ऐसे तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप इसको मान लीजिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये पिघल के काय में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। देन फ्रेंड्स, ये जो आपकी फ्रीज ड्रायर प्रोसेस होती है ये एक इस तरह का मेथड होता है जिसमें क्या होता है, जो आपका यहाँ पे सॉलिड होता है इसका टेम्परेचर हम इतना हाई कर देते हैं, मान लीजिए क्या है कि यहाँ पे आपका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है आपके वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, देन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है फ्रेंड्स हम इतना ज़्यादा कर देते हैं जिससे क्या हो जाता है सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में यानी गैस में क्या हो जाता है कन्वर्ट आपका हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे सब्लिमेशन कहते हैं। चल देख लेते फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट पॉइंट यही है जो फ्रेंड्स हमने आपको अभी यहाँ पे समझाया, जिसकी डेफिनेशन फ्रेंड्स आप चाहें तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पे लिख सकते हैं। देन फिर कंस्ट्रक्शन, यानी जो फ्रीज ड्रायर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शंस क्या होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पे आपके 3 से 4 पॉइंट्स ही ओनली लिखे हुए हैं जिसमें आपका जो कंस्ट्रक्शन है फ्रीज ड्रायर का पूरा ही कवर हो जाता है। देन फ्रेंड्स, जो यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स बनाने वाले बच्चे हों हाथ ही हाथ यहाँ पे क्या है नोट्स बनाते हुए चले। तो फ्रेंड्स, क्या होता है इसकी कंस्ट्रक्शन जो, चलिए इससे इसके डायग्राम की हेल्प से फ्रेंड्स यहाँ पर समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, एक यहाँ पर चैम्बर होता है यानी जो इसमें एक स्टेनलेस स्टील का जो होता है फ्रेंड्स यहाँ पे एक चैम्बर लगा हुआ होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रे लगाते हैं, यानी जो यहाँ पे चैम्बर से फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एक डोर है, डोर के थ्रू क्या करते हैं इसके अंदर जो हमें प्रोडक्ट को ड्राई करना होता है उसको हम इसके अंदर रख देते हैं। देन फ्रेंड्स, इसमें जो है 2 ट्रे लगी हुई होती है और साथ ही में इसमें ये ट्रे जो होती हैं पाइप से कनेक्टेड होती हैं, यानी इस पाइप से फ्रेंड्स से कनेक्टेड क्यों होती है, क्योंकि जो पाइप जो होता है इसके अंदर जो है हम हीट को ट्रांसफर करते हैं, यानी हमें जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर ड्राई करना है उसको हम ट्रे के ऊपर रख देते हैं। देन फ्रेंड्स, क्या होता है जो हीट होती है उसको हम यहाँ से इसके अंदर ट्रांसफ़र कराते हैं जिससे जो आपके प्लेट्स जो होती हैं यहाँ पे गर्म होती हैं और साथ ही में आपका जो प्रोडक्ट होता है वहाँ पर ड्राई है। तो इस तरह के फ्रेंड्स होता है एक प्रोसेस जो है वर्क करती है। देन फ्रेंड्स, इसमें चैम्बर यहाँ पे हो गए, देन इसके अंदर क्या होता है हीटेड शेल्फ लगी होती है जो आपने यहाँ पे कहा कि तरह से अलमारी या ट्रे इसको हम कह सकते हैं, यानी अलमारी होती है जिसके ऊपर फ्रेंड्स हम ट्रे वगैरह रखते हैं। देन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, एक कंडेंसर लगा हुआ होता है, देन कंडेंसर होता है, देन फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है। ये क्या वर्क करता है फ्रेंड्स, ये सब्सटेंस जो होता है उसके एक तरह से जमाने का जो है वर्क करता है। देन ये क्या होता है यहाँ पर आइसोलेशन वाल्व जो होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लगे होते हैं जो प्रोडक्ट को क्या करते हैं वहाँ पर आइसोलेट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो होती है यहाँ पे इसकी एक कंस्ट्रक्शंस हो जाता है। देन इसके पॉइंट्स चलिए हम देख लेते हैं। ड्राइंग चैम्बर इन विच ट्रे आर लोडेड, तो फ्रेंड्स ये है यहाँ आपका ये ड्राइंग चैम्बर हो गया जिसके अंदर हमने ट्रे यहाँ पे लोडेड कर दी। हीट सप्लाई इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो फ्रेंड्स क्या होता है आपके जो इसके अंदर जो हीट जो हम प्रोवाइड कराते हैं ऐसे डायरेक्ट नहीं कराते, किसकी फॉर्म में कराते हैं रेडिएशन की फॉर्म में यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो इतनी ज़्यादा हीट की फॉर्म में आपके इस चैम्बर के अंदर आए यानी प्लेट्स के कॉन्टैक्ट में जिससे कि ईजिली आपका प्रोडक्ट जो है वहाँ पर ड्राई हो जाए।
देन फ्रेंड्स क्या होता है वेपर कंडेंसर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। तो फ्रेंड्स क्या होता है वेपर कंडेंसिंग यहाँ पे लगा हुआ होता है जो वैक्यूम आपके यहाँ पे ऊपर में होती है वैक्यूम पंप एंड स्टीम इंजेक्शन और बहुत। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी वर्किंग। तो फ्रेंड्स वर्किंग जो है इसकी काफ़ी लॉन्ग है क्योंकि जो आपकी वर्किंग है इसको 5 स्टेप में यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है। तो वर्किंग को फ्रेंड्स इजीली आप जितना स्ट्रक्चर से इसको अच्छे से समझेंगे इजीली आपको इसकी वर्किंग समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देन जो हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे नोट्स बनाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में ही आपके लिए लिखा हुआ है। तो आप इसको फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्स के बेस से इसकी वर्किंग है इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वर्किंग इसकी देख लेते हैं हम। तो 5 स्टेप्स है जिसमें हम यहाँ पे इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे प्रिपरेशंस एंड प्री ट्रीटमेंट्स। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे प्री फ्रीजिंग ऑफ टू सॉलिडिफाई वाटर्स। देन फ्रेंड्स थर्ड यहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरी ड्राइंग यानी जो प्राइमरी ड्राइंग है फर्स्ट ड्राइंग आप किस तरह से करेंगे। देन सेकंड यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंडरी ड्राई। देन फ्रेंड्स लास्ट हम यहाँ पर देखेंगे पैकेजिंग यानी जब प्रोडक्ट ड्राई हमारा हो जाएगा उसको हम पैकिंग किस तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये क्या है ये 5 स्टेप्स इसके जो वर्किंग है इसके अंदर आएंगे। फ्रेंड्स चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स प्रिपरेशन एंड प्री ट्रीटमेंट तो फ्रेंड्स ये जो होती है इस तरह की प्रोसेस होती है आपको इस तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए क्या है आपको आपने कपड़े वगैरह धोए फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी तो एग्जांपल्स हम कपड़े वगैरह इसलिए ले लेते हैं क्योंकि जनरल लाइफ में इस चीज़ को आप कभी ना कभी देखते हैं खुद भी आप कपड़े फ्रेंड्स कभी ना कभी धोए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स मान लीजिए आपने क्या किया आपने कपड़े धोए। अब आपने जब कपड़े धोए तो ऐसा तो नहीं है कि अपने आपको डायरेक्ट उसको सुखाने के लिए डाल देंगे। तो फ्रेंड्स समटाइम्स क्या होता है आप मशीन्स की हेल्प लेते हैं यानी मशीन के थ्रू उसकी वॉशिंग मशीन होती है उसके थ्रू कपड़ों को सुखाते हैं। देन समटाइम्स क्या होता है आप उसको हाथ से निचोड़ देते हैं जो कपड़े होते हैं फ्रेंड्स उसको हाथ से आप निचोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स वो निचोड़ते आप क्यों क्योंकि उसका जो पानी होता है यानी एक तरह से देखा जाए तो आपका जो पानी होता है उसमें जो आपका मतलब एक तरह से कहिए कि 100% में से लगभग 70 या 80% जो उसमें वाटर होता है उसको आप रिमूव कर देते हैं फ्रेंड्स उसको कपड़े को निचोड़ कर ही। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स जो आपके कपड़े के सूखने की टाइमिंग होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स जो फर्स्ट आपका स्टेप से हम इसमें इसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं यानी कि जो आपके यहाँ पे प्रिपरेशन से और प्री फॉर्मुलेशन। देन फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पर अपना सेकंड पॉइंट देख लेते हैं प्री फ्रीजिंग टू सॉलिडिफाइड वाटर्स। तो फ्रेंड्स ये जो होती है एक तरह की ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं वाटर को सॉलिड में चेंज कर देते हैं। अब फ्रेंड्स हम वाटर को सॉलिड में चेंज कैसे करते हैं वायल्स एम्प्यूल्स और बॉटल्स इन विच द सॉल्यूशन इज पैक्ड आर फ्रोजन इन कोल्ड शेल्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है कोई भी हमारे पास वायल्स है या कोई भी एम्प्यूल्स है जिसके अंदर क्या है हमारा सॉल्यूशन पैक्ड है देन उसको क्या करना है फ्रोजन यानी कोल्ड शेल्स के ऊपर हमने उसको रख दिया अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे। तो फ्रेंड्स अब इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे ड्यूरिंग दिस स्टेज यानी इस स्टेज के दौरान हम क्या करेंगे कंबाइंड कर देंगे एंड मेंटेन करेंगे लो टेम्परेचर्स एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है जो इतना आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे क्या करेंगे हम उसको बहुत ही ज़्यादा लो कर देंगे यानी इतना लो कर देंगे जिससे कि आपको काय में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स एक सॉलिड की फॉर्म में आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा। देन फ्रेंड्स चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं प्राइमरी ड्राइंग। तो प्राइमरी ड्राइंग जो होती है फ्रेंड्स ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो आपके 5 के 5 पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको जो यहाँ पे ड्राइंग है वो एक तरह से यहाँ पे अब स्टार्ट हो रही है आपकी। तो इन दिस स्टेप्स द मटेरियल टू बी ड्राइड इज स्प्रेड एट मच लार्ज सरफेस एज पॉसिबल फॉर सब्लिमेशन। तो फ्रेंड्स क्या होती है यहाँ पे जो ट्रे की सरफेस होती है उस पर क्या होता है आपका प्रोडक्ट जो है वो फैला हुआ है। तो इसमें क्या होती है फ्रेंड्स जो आपकी प्रोसेस होती है तो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ड्राई होता है। अब फ्रेंड्स पूरी तरीके से यहाँ पे ड्राई नहीं होता है लेकिन एक तरह से देखा जाए तो आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्टली जो प्रोडक्ट है पूरा का पूरा ही ड्राई वहाँ पे हो जाता है। देन क्या होता है आपके जो फ्रेंड्स जो फोर्थ यहाँ पे जो आपका पॉइंट आता है सेकेंडरी ड्राइंग। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी ड्राइंग कर रहे हैं देन आप सेकेंडरी ड्राइंग में भी उस प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा सुखा रहे हैं। तो प्राइमरी ड्राइंग में आपका प्रोडक्ट जो है फ्रेंड्स इतना सूख गया जिससे कि क्या है उस पर कुछ ड्रॉपलेट्स यानी समटाइम्स क्या होता है कुछ धब्बे टाइप में उस पर रह गए प्रोडक्ट में। तो आपकी जो सेकेंडरी ड्राइंग होती है फ्रेंड्स इसमें हम क्या करते हैं उस यानी वो धब्बे वगैरह आपके थोड़े से भी रह गए हैं उनको भी क्या कर देते हैं टोटली रिमूव कर देते हैं। एक तरह से जो आपकी सेकेंडरी ड्राइंग यहाँ पे होती है उसमें कम्प्लीटली आपका जो प्रोडक्ट होता है ड्राइंग हो जाता है। देन आपके जो फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पॉइंट्स आता है पॉइंट 5 पैकिंग। तब फ्रेंड्स कोई भी प्रोडक्ट जब पूरा ड्राइंग हो जाता है तो फ्रेंड्स क्या होता है एक तरह से पूरा ही प्योर होता है। अब उसको डायरेक्ट आप एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में नहीं ला सकते क्योंकि उससे क्या हो सकता है आपको कंटामिनेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह किसी के भी थ्रू हो सकती है। तो इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं आप एक तरह से वायल्स या बोटल्स की फॉर्म में क्या करते हैं फ्रेंड्स इनर्ट गैस की फॉर्म में क्या कर लेते हैं आप इसको पैक्ड वहाँ पे कर लेते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपको 5 के 5 पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे।
फ्रेंड्स जो हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए हम 5 के 5 पॉइंट्स यहाँ पे हमने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इनको ईजिली यहाँ पे भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट हम देख लेते हैं इसके यूजेस, यानी क्या क्या यूजेस है जिसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे फ्रिजी ड्रायर का। तो कॉमनली तो फ्रेंड्स एक यहाँ पे यूज़ यही हो जाता है, इन प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट जो मेन पॉइंट्स इसका होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ डोजिसोम। यानी फ्रेंड्स जो यहाँ पे फ्रिज ड्रायर है इसका जो मेन जो यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल डोजिसोम के प्रोडक्शंस में होता है, जैसे कि इंजेक्शंस वगैरह की फॉर्मुलेशंस में, सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, इस टाइप की जो आपकी डोजिसोम्स होती हैं उनके प्रोडक्शन में क्या करते हैं फ्रिज ड्रायर का मोस्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स देख लेते हैं हम इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं, यूज ऑफ वोलेटाइल मटेरियल्स इज लेस। तो फ्रेंड्स क्या होता है, एक तरह से बैच ऑपरेशन की तरह होती है, यानी पूरे ही क्लोज्ड प्रोसेस होती है, यानी बाहर इसका कुछ आने रहा जाने रहा, फिर क्या हो रहा है आपको हीट प्रोवाइड की जा रही है बाहर से। तो क्या होता है फ्रेंड्स इसमें जो आपका मटेरियल्स होता है वो जो वोलेटाइल ऑयल या किसी फॉर्म में है तो क्या होता है उसका जो लॉस होता है बहुत ही फ्रेंड्स वहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे स्टेरिलिटी कैन बी मेंटेन। सो इसके अंदर जो फ्रेंड्स प्रोडक्ट को हम ड्राई करते हैं उसकी स्टेरिलिटी जो होती है एक तरह से मेंटेन रहती है। एंड थर्ड फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं थर्मोलेबल मटेरियल कैन बी ड्राइड। जो आपका थर्मोलेबल मटेरियल होता है यानी फ्रेंड्स कुछ मटेरियल इस टाइप के भी होते हैं जो हीट की प्रेजेंस में आने पर क्या हो जाते हैं वहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइप के मटेरियल जो हैं वो भी फ्रेंड्स इस ड्रायर के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं ड्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या क्या होते हैं। तो टू ही इसके मेनली डिसएडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट तो फ्रेंड्स ये होता है ये इस तरह की यानी एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस यहाँ पे होती है, इसलिए क्या होता है ये थोड़ी कॉस्टली होती है। फिर नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं द पीरियड ऑफ ड्राइंग इज हाई, यानी इसका जो फ्रेंड्स पीरियड होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। एक तरह से क्या होता है फ्रेंड्स एक ड्राइंग प्रोसेस तो ये अच्छी है लेकिन क्या देखा जाता है समटाइम्स 10 से 20 घंटे जो होते हैं इस प्रोसेस को जो सेकेंडरी ड्राई आपकी कम्प्लीटली ड्राइंग होती है उसमें लग जाते हैं। तो प्रोसेस क्या होती है फ्रेंड्स थोड़ी सी इसका पीरियड जो होता है ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी। देन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चंस माइंड में घूम रहा है तो आप उनसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देन फ्रेंड्स आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स सीरियल वाइज सभी लेक्चर्स आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट यहाँ पर हम लेक्चर कवर करने वाले हैं जिसमें कि हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आपका टेबलेट्स। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके टेबलेट्स है उसके नोट्स हमने कम्प्लीटली यानी समथिंग एक तरह से प्रिपेयर करे हुए हैं। इस वजह से आपको एक्सट्रैक्शन फ्रेंड्स टेबलेट के बाद में क्या है आपका जो एक्सट्रैक्शन है उसको यहाँ पर कवर करा देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो जल्दी ही हम यहाँ पर लाएंगे।